बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम कश्मीर हाईवे से अपने सफ़र पर रवानदवा और हमारी मंजिल मरी बूरबन। हम इस वक्त मरी की तरफ रवानदवा हैं और हम कश्मीर हाईवे से इस टाइम मरी रोड पर आगे बढ़ते हुए, हमने कुछ देर पहले अभी लेक व्यू पार्क क्रॉस किया और इस वक्त हम बाराकाउस क्रॉस करते हुए मरी एक्सप्रेसवे पर रवानदवा हैं। जैसे ही आप मरी एक्सप्रेसवे पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर आबोहवा में कुछ फ़र्क महसूस होता है और हल्की हल्की ठंडक। अभी जिस पॉइंट से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ से राइट हैंड की तरफ अंगूरी का रास्ता अलहदा होता है, जो कि आगे जाकर मरी को टच करता है, तो अब हम मरी एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ते हुए टोल प्लाजे पर पहुँच चुके हैं। इस लोकेशन पर 60 रुपये टूल प्लाजा अदा करने के बाद हम अपना सफ़र दोबारा मरी एक्सप्रेसवे पर जारी रखे हुए।
माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं मरी के, और यहाँ पर खूब ग्रीनरी और मौसम में काफ़ी हद तक ठंड के आसार नुमायाँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो मौसम में काफ़ी बेहतरी आती जाएगी और गर्मियों के लिए बेहतरीन मौसम। जी तो हमारी मरी पहुंच कर गाड़ी फैन बंद होने की वजह से ख़राब हो गई। अब हम मैकेनिक का वेट कर रहे हैं और हमने फिर ये फैसला किया कि गाड़ी को किसी तरीके से मरी मैकेनिक तक पहुंचाया जाए। और गाड़ी तो मरी मैकेनिक तक पहुंच गई, लेकिन हमारे साथी जो हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र पैदल करते हुए यहाँ पर अब मरी पहुँचे हैं। और अब हमें आगे का प्लान करना है कि क्या हम गाड़ी के ठीक होने का वेट करें या मुतबादल ज़राए से हम बूरबन की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। तो उसी दौरान हम आपको कुछ दिखा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे मरी के। तो यहाँ पर हम कुछ देर रुके और यहाँ पर चूँकि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, जिस वजह से हमारी गाड़ी के ठीक होने में कुछ ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो चलें, हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द गाड़ी ठीक होगी और अब अपना सफ़र जारी रखेंगे। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं तो लगता ऐसे है कि हमें यहाँ पर अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा और हमें किसी मुतबादल ज़रिए से आगे बढ़ना होगा। तो शाम का वक्त करीब है और तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त फ़ोटोग्राफी में मशगूल हैं और कुछ दाएं बाएं घूम फिर कर वक्त गुजार रहे हैं और इसी बात के मुंतज़िर हैं कि कब गाड़ी ठीक होती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फ़ैसला किया जा चुका है कि अब हम गाड़ी यहाँ पर छोड़कर किसी मुतबादल ज़रिए से आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से एक गाड़ी हायर की और उसके ज़रिए हम अब अपना आगे का सफ़र करेंगे और रात हम गुरबन में गुजारेंगे।
तो इंशाल्लाह वापसी पर इस गाड़ी को देखेंगे कि इसका क्या करना है या कैसे हम वापसी का सफ़र करते हैं। तो हम अब हम रवाना होने लगे हैं बूरबन की तरफ, ताकि इस गाड़ी की ख़राबी को अपने टूर की ख़राबी का सबब ना बनने दें। तो अब हम बूरबन पहुंच चुके, रात हमने यहाँ गुजारी और सुबह अब हम अपने फ्लैट पे, ये देखें चाय बन रही है, नाश्ता तैयार हो रहा है। तो अभी हम कुछ देर में यहाँ से नाश्ता करेंगे और फिर यहीं पर कुछ सैर व तफरी का मामला आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन जहाँ पर ये फ्लैट बने हुए हैं। वो जी आपने स्टे किया, मैं तो पहले देखूंगा आपने क्या कुछ तोड़ा और क्या कुछ छोड़ा। नाश्ता तैयार हो चुका है, अब हम नाश्ता करने लगे हैं। ये जो है ना, इस टाइम ट्रिप एंड ट्रैवल के दौरान सारे बच्चे जो हैं अपने नाश्ते में मसरूफ़ हैं। देसी नाश्ता बना हुआ है, हैं जी। ये देखो, एक सबसे छोटा ट्रैवलर भी आया हुआ है, ये कहता है जी छुप छुप के खा रहे डब रोटियाँ। एक जो है वो अभी आए हैं जी, हैं जी, हाथ मुंह धो के पहुंचे हैं और बच्चों ने नाश्ता तकरीबन मुका लिया, पता नहीं इनको कुछ मिलता है कि नहीं है। क्या बात है जी, ये एक अदद सांप जो है यहाँ पर मारा गया है और उसको फेंकने के लिए जा रहे हैं।
बेटा हमें भी ना हो। अभी दो बजे गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी जाएंगे नहाने के लिए। एक और गाड़ी हमने लेनी है जो हमें नहाने के बाद हम थोड़ी सी फोटो शूट करेंगे, फोटो शूट के बाद जो है हम खाना शाना खाएंगे। खाना शाना खाने के बाद हमने जाना है, प्लान है एक पोर्ट्रेट बना दी, ये व्यू आया पीछे छोड़ पाती साइड मेरी शक्ल सब देखी। पोर्ट्रेट मिले ना अपनी V8 पे जाते हुए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मिल गई है जो हमें व्यू आ रहा है। इंसानियत के नाते लेके जा रही है, उस कनेर में जाए पानी नहीं है। बड़ा सुना था कनेर का, इधर तो पानी नहीं है। ये कैसा मुझे नहाने के लिए आप देखे सर, कैसा मुझे बड़ा दुख होगा, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर हम पानी देखने आए थे, पानी पानी ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी नहीं है। टैक्स इतने लगे हुए हम लोगों पर, पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन पानी नहीं यार, पानी नहीं है यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं मैं अवैस खान हूँ। तो ये देखें हम यहाँ पर आए हैं कश्मीर में, कश्मीर में नहीं है बल्कि ये मरी है ना। तो ये पानी है हमारा पानी, हम यहाँ पर पानी देखने आए थे, असल में हम बोतलें भर दी है, बोतलें भर दी यार। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम पानी देखने आए थे, पानी बहुत ज्यादा, देखे मरने वाले हम लोग, ये देखे बस पानी को हमने रुका भी ये क्या ये बस मरने वाले जी। तो अब वापसी के सफर के लिए बच्चे जो हैं वो रोड के किनारे खड़े हैं और मुंतजर हैं किसी गाड़ी का, कि कोई गाड़ी इन्हें मैसर हो ताकि ये अपने वापसी का सफ़र कर सकें और हम उस मकाम तक पहुंच सकें जहां पर हमारी गाड़ी मैकेनिक के पास खड़ी है। आया कटिया की, आया कटिया की।
خلاص بھائی ये फाइनली जो है ना बच्चे रक्षे में बैठे हुए हैं और ये आगे भी बैठे हुए हैं। ये गाड़ी को हमने यहाँ पे रोका है मैकेनिक के पास छोड़ के आ चुके हैं। हमें गाड़ी ने बड़ा तंग किया है लेकिन गाड़ी को भी हमने बड़ा तंग किया है। ये जो है ना ये आगे बच्चे बैठे हुए हैं एक ये साथ जला रहे हैं और ये साथ एक और बैठे हुए हैं और ये जो है ना दो और ये उनके साथ तीन ये बैठे हुए हैं छोटी सीट पे और दादा काकू सीट पे और ये जो है ना अंकल बैठे हुए दादा उस्ताद वीडियो बनाते हुए ये तनवीर और वीडियो मूवी मेकर हम जा रहे हैं और रक्षा चल रहा है सर। सबसे बड़ी बात ये है सबसे बड़ी बात है रक्षा चल रहा है। बड़ी बात ये है कि रक्षा चल रहा है